ये गद्दी छोड़ के जितने गद्दी बैठे ना रंडवे संडवे, ये गद्दी छोड़ के आओ कुश्ती के अखाड़े में आओ। किसी भी तरह प्रकार का कोई कानून कोई संविधान इस देश में नहीं बचा है। ये जो पुलिस में मारे थे बाढ़ से और वे कानून तब दौड़ है मारे पे तो हमने पिटवारे। MSP का वादा करके सरकार साढ़े तो भज्जी है, मोदी की सरकार है। किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इससे बड़ा अन्याय कभी नहीं होया है। जितना बीजेपी की सरकार ने अन्याय कराया इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं कर सकता। स्टेट के मुख्यमंत्री क्या आने बैठे, अपने अपने स्टेट में अपना अपना समाधान कर लो, किसी ने कितना भी दुखी होने की जरूरत ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पिपली अनाज मंडी की हैं। यहाँ पर जो किसान हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी की जो गिरफ्तारी है उसके बाद आए हैं, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी MSP की सूरजमुखी पर MSP की मांग कर रहे थे, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और अब जेल में डाल दिया। किसान हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहना चाहते हैं। प्रधान जी फटाफट आप बताओ क्या कहोगे इस मामले में। इस मामले में क्या कहा जा सकता है, सरकार ने सारी संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया है। किसी भी तरह प्रकार का कोई कानून कोई संविधान इस देश में नहीं बचा है। जो भी अपने हक की आवाज़ कर उठाता है उसको जेल में डाल दिया जाता है और कोई भी पूछने वाला नहीं है इस देश में। एक मात्र जो संगठन है किसान संगठन, वो विरोध के ना के लिए इस देश में बचे हैं। बाकी हर तबका हर मतलब इस ED के CBI के डर से छुपता फिर रहा है और कोई कुछ भी बाकी नहीं है इस देश में। कानून कहीं सवाल ही नहीं है कि कहीं कानून बाकी। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जी कि किसान के बिना इस धरती पे कुछ नहीं है। किसान अगर चीज़ पैदा करेगा तभी मार्केट में आएगी। अगर मार्केट में कोई चीज़ आएगी, हमारा जो खेत में मान ले अपना अनाज पैदा कर रहे हैं, टमाटर पैदा कर रहे, तो खेत में डेरी लग जा और रेड़ी पर चला जाए तो माल बन जाता है। तो हमको माल की कीमत चाहिए जी, वो मिल नहीं रही। खेत में कबाड़ा, अगर मार्केट में चले गया माल फिर माल बन जाता है। अगर सरकार हमारे साथ ऐसे ही करेगी तो हम सरकार के साथ बुरा बर्ताव करेंगे। हमारे पास डंडा भी है और डंडा भी है, पहले भी दिखा दिया डंडा। डंडा अब के बार तो देखो आर पार का डंडा है। जब तक मतलब सिर के ऊपर ना पानी फिर जा, फिर क्या करा जी बोलो। फिर तो देखो नहीं, ये गद्दी छोड़ के जितने गद्दी बैठे ना रंडवे संडवे, ये गद्दी छोड़ के आओ कुश्ती के अखाड़े में, आओ सड़क पे, आओ इनके ठाक है पट्टू मतर जो इन्हें उल्टा ना ठोके। हम ये मारे ठाडे हैं, अरे मारे बाड़कों का सहारा लेके मारे बाड़कों पे तो हमने पिटवारे हैं। ये जो पुलिस में मारे थे बाड़क से और वे कानून तब दौड़ हैं, मारे पे तो हमने पिटवारे। जब ये शांति तो भाई छोड़ ने पिटवारे, इन तर नाला कौन हो सके। शांति तो आंदोलन कर रहे हम, हड़े तो हड़े UP तारे हैं, हमने शौक है हड़े आने का। हमको 2000 का डीजल फूंक रहा, का 3 का फूंक रहा, शौक से हम पेट पट्टी बांध का वो कर रहे। शौक थोड़ी हमने अड़ाने का, क्यों आन दे रहे है? जिसका जड़ा जो समस्या उड़ा हल क्यों नहीं कर रहे। स्टेट के मुख्यमंत्री क्या आने बैठे, अपने अपने स्टेट में अपना अपना समाधान कर लो, किसी ने कितना भी दुखी होने की जरूरत ना। बिल्कुल भाई, साफ सी बात कह रहे हैं कि समाधान कर लेना चाहिए। कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत की हम कोशिश करेंगे यहाँ पर। कि देखिए जो लाइनें हैं लंगी पड़ी है, दो दो झंडे लेके आए हो पाजी हैं? दो दो झंडे लेके आए जी। क्या बात है ये, एक अपने सेफ्टी के लिए दिखाने के लिए। क्या कह रहे थे ये? एक सेफ्टी के लिए, एक दिखाने के लिए। अच्छा जी, अब जरूरत होगी इस तरीके की, होनी तो नहीं चाहिए। बिल्कुल भाई, सारे जो किसान हैं अपनी अपनी राय यहाँ पर रख रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बातचीत की हम कोशिश करेंगे। कहाँ से आए सिंह साहब? पंजाब से जी। क्या सोच के आए हैं? जो BJP के साथ रौड़ा है, MSP का रौड़ा, जो BJP के साथ जो साढ़े किसान भाई अंदर 307 लगाई हुई है उसको आज़ाद कराने के लिए आए हैं। बिल्कुल भाई, आप क्या कहोगे भाई? कहेंगे क्या हसनपुर से, भाई साहब किसानों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, इससे बड़ा अन्याय कभी नहीं होया है। जितना BJP की सरकार ने अन्याय कराया इससे बड़ा अन्याय कोई नहीं कर सकता। मोदी कहा था 2022 में आपकी आए दुगनी करांगे, दुगनी छोड़ी ने जो मारा अख था वो भी देने से मारे लाठियां दे रहे हैं। ये लठकी सरकार है, इसके भी कुछ है, ये लाठी मारने वाली सरकार है, इसको उखाड़ के फेंक देंगे हम अगले बार जब। क्या कह रहे थे भाई?
बड़ी माड़ी सरकार है वीर जी, बड़ी माड़ी सरकार। क्या इलाज होना चाहिए? इलाज इसको उठा देना चाहिए सरकार को बस। किसान की सरकार आए, भूपेंद्र जिंदाबाद। भूपेंद्र सिंह को उठा के बनाया था ये, बहुत खुशी से बनाई थी ये सरकार। सब ने चौ से वोटें पाई थी, सब ने, छोटे बड़े ने, लेकिन ये खरी नहीं उतरी है बिल्कुल किसी भी वर्ग के लिए। बिल्कुल भाई, ये दुखी मन से जो लोग हैं वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए सिंह साहब? पटियाला से, जिला पटियाला ब्लॉक समाणा। लगता है एक बार फिर से इकट्ठा होने की जरूरत पड़ी गई है। देखो जे तो ना मनिया फिर करांगे जरूर, एदू भी ज्यादा करांगे फिर। आज भी बड़ा किसान आया, बहुत ज्यादा किसान आया। जगह ही नहीं है अभी तो, जगह नहीं है, जगह ही नहीं है, खड़ने को जगह नहीं है, वहाँ जगह कम पड़ेगी। हाँ जी हाँ, गड्डियां में बैठे हैं, जगह नहीं है। नहीं तो मुल्क इतना है तो जगह ना तो छां का प्रबंध किया है बहुत। ਇਹਦੂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਨੇ ਗੱਲ ਕਰਵਾ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਅ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੁਛ ਆਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ MSP ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਦੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਈ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੀ, ਫਿਰ ਵਹੀ ਬਾਤੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਸੀ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੁਛ ਹੋਰ ਲੋਕੋ ਸੇ ਵੀ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰੇਂਗੇ, ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਸੱਤਿਆ ਖਬਰ ਕੇ ਸਾਥ। ਸੱਤਿਆ ਖਬਰ, ਸੱਤਿਆ, ਸਟੀਕ, ਬੇਬਾਕ।